के फर्स्ट पार्ट में देखा कि यूसुकी सिरोकी को किस करने वाला होता है, लेकिन ऐसा असलियत में नहीं होता है। दरअसल वो सिरोकी के गले पर किस मार्क को देख रहा होता है और कहता है, कितना बुरा लग रहा है मुझे, क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा भी है। तभी उधर से हिरोतो भी कॉलेज आ रहा होता है और सामने से यूसुकी को आते हुए देखता है। तभी यूसुकी हिरोतो के पास आके कहता है, मैंने अभी रिचन को किस किया। ये सुनकर हिरोतो शॉक्ड हो जाता है। थोड़ी देर बाद सिरोकी भी वहाँ आती है और हिरोतो को देखकर कहती है, मैंने यूसुकी को साफ साफ मना कर दिया। हिरोतो कहता है, हाँ ठीक है, और वो सिरोकी के पास आकर उसे गले पर किस मार्क देखकर कहता है, क्या यूसुकी ने तुम्हारे साथ कुछ किया। सिरोकी कहती है, नहीं तो बिल्कुल नहीं। तभी सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे यूसुकी सिरोकी से कहता है, क्या मैं तुम्हें किस मार्क दूं, और वो बार बार उसे एक ही जगह पे हिट करने लगता है। ये देखकर सिरोकी उसे दूर भागती है तो यूसुकी कहता है, वो किस मार्क पहले से वहाँ था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, अगर तुम नहीं गई तो सच में मैं तुम्हें कुछ कर दूंगा। ये कहकर वो चला जाता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हीरो तो यूसुकी की बातें को याद करता है। यूसुकी उसे कहता है कि मैंने अभी रिचन को किस किया, जिस पे हीरो तो कहता है, तुम्हें तो ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता, मुझे पता है सिरोकी की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करोगे, अगर तुम्हें ऐसा कुछ करने का हिम्मत होता तो तुम अपना प्यार कब के इजहार कर चुके होते। तभी यूसुकी कहता है, तुम तो रिचन को ठीक से जानते भी नहीं हो, चाहे जो हो उसे कभी रुलाना नहीं, अगर मुझे कभी लगा कि तुम्हारा प्यार कम हो रहा है तो मैं तुमसे रिचन को छीन लूंगा। ये सुनकर हीरो तो यहां से चला जाता है। उसे जाते देखकर यूसुकी कहता है, मुझे लगता है अब मैं रिचन को कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। यूसुकी प्यार से सिरोकी को रिचन कहता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे हीरो तो सिरोकी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तुमने अच्छा काम किया। तभी सिरोकी उसे हक कर लेती है। अब हीरो तो सिरोकी को एक जगह लेकर आता है और कहता है, तुम्हें ऐसी जगह पसंद है ना। सिरोकी कहती है, हाँ मेरा तो एक सपना भी है कि टोक्यो में मेरा एक ऐसा एक घर हो। जिस पर हीरो तो कहता है, ये जगह दरअसल हमारे कैफे के लिए है और हम ये कैफे कल ओपन करेंगे, और मैं चाहता था कि सबसे पहले मैं तुम्हें यहाँ लेकर आऊँ। जिसके बाद हीरो तो उसे एक वेनिला कैपेचिनो देता है और कहता है, क्या हुआ, खाओ ना। ये देखकर सिरोकी शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये नहीं हो सकता। जिस पर हीरो तो कहता है, तो तुम अब समझी, ये कैफे मैं स्पेशली तुम्हारे लिए ओपन करना चाहता हूँ। हीरो तो उसे याद दिलाते हुए कहता है, वो कैफे भी मेरे मैनेजमेंट के अंदर ही था जब तुम वहाँ पहली बार कॉफी पीने आई थी। जहाँ पे सिरोकी को कॉफी नहीं पीते देखकर हीरो तो उसे एक वेनिला कैपेचिनो लाकर देता है और कहता है, दरअसल हम नए प्रोडक्ट का सैंपल चेक करवा रहे हैं कस्टमर से, क्या आप इसे ट्राई करेंगे। सिरोकी कहती है, हाँ बिल्कुल। तभी सिरोकी उसे थोड़ा सा पीकर बताती है कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। तभी हीरो तो सिरोकी से पूछता है, क्या आपको ब्लैक कॉफी पसंद है। तो सिरोकी कहती है, नहीं एक्चुअली मुझे कॉफी पसंद नहीं है, पर मैं इसे ट्राई करना चाहती थी। तभी हीरो तो वहीं बैठकर सिरोकी को देख रहा होता है तो सिरोकी कहती है, आई एम सॉरी, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है लेकिन मुझे जाना होगा। वो वहां से उठकर चली जाती है, लेकिन हीरो तो को उसी वक्त से सिरोकी में इंटरेस्ट होने लगता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहां पे हीरो तो एक लेटर निकाल कर सिरोकी को देता है। ये लेटर सिरोकी ही लिखी थी कि मैं गांव से टोक्यो आई लेकिन शहर की लाइफ स्टाइल अपनाते अपनाते मैं थक गई। तभी एक वेटर ने मुझे वेनिला कैपेचिनो दिया, ये कहकर कि एक सैंपल है, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि उसने मुझे प्यार से दिया था। वो कैपेचिनो खाकर मुझे काफी रिलैक्स फील हुआ, मैं उस वेटर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। तभी हीरो तो कहता है, इसलिए मुझे इस जगह को ऐसा फील देना था जिससे तुम्हें लगे कि तुम घर से दूर नहीं हो, लेकिन सिरोकी तुमने मुझे कभी नहीं ढूंढा, तुम मेरे बारे में पूरी तरह से भूली गई थी। तभी सिरोकी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मुझे ये सब बताने के लिए थैंक्स। जिस पर हीरो तो उसे किस करता है और कहता है, ये बात बिल्कुल सच है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। आई होप तुम समझ गई होगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। और वो उसे हक करता है। सिरोकी सोचती है, यकीन नहीं होता है कि ये मुझे इतना प्यार करता है। जब ये दोनों कैफे से बाहर आता है तो हीरो तो वहां पर बैठा अकुत्सु को देखता है, जिस पर अकुत्सु कहता है, स्टोर खुला नहीं कि अपने साथ लड़की को ले आया, कमाल कर दिया। जिस पर हीरो तो कहता है, अकुत्सु कॉर्पोरेशन के सीईओ यहां पे क्या कर रहा है। तभी अकुत्सु उठकर हीरो तो के पास आता है और कहता है, जानने के लिए बहुत बेचैन था कि हमारे हीरो तो एक लड़की के चक्कर में पूरा स्टोर को ही खोल डाला। आखिर कौन सा स्टोर है और उसे खुलवाने वाली लड़की कौन है। वो सिरोकी को देखने लगता है। तभी हीरो तो सिरोकी को अपने पास खींच लेता है और कहता है, बेहतर यही होगा कि तुम लड़की को ये सब से दूर रखो। वो सिरोकी को लेकर यहां से चला जाता है, लेकिन अकुत्सु वहीं खड़ा रहकर उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ हीरो तो सिरोकी को गाड़ी में बैठाकर खुद अकुत्सु से मिलकर आता है और काफी गुस्से में होता है। तभी सिरोकी सोचती है, पता नहीं क्या हुआ होगा, शायद मैं एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ इसीलिए ये नहीं चाहता है कि मेरे बारे में किसी को पता चले। तभी वो कहती है कि आई एम सॉरी, काश मैं तुम्हारी लायक होती। ये सुनकर हीरो तो कहता है, तुम बेकार में चिंता मत करो। और वो उसके करीब जाकर बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि कौन हमें देखे, समझ गई तुम। और वो उसे किस करता है। नेक्स्ट डे सिरोकी अपनी फ्रेंड ओसिया को बताती है कि हीरो तो मेरे उम्मीद से ज्यादा बेहतर है, लेकिन ओसिया सिरोकी से काफी जलस महसूस करती है। जब सिरोकी कॉलेज से अपने घर जा रही होती है तभी वहाँ पे एक आदमी खड़ा होता है, इसका नाम यूकी होता है। वो कहता है, मैं प्रेसिडेंट हीरोतो का सेक्रेटरी हूँ, बॉस ने आपको अर्जेंटली बुलाया है। ये सुनते ही सिरोकी भाग
आकर आती है और यूकी के सामने अपने आप को बहुत ही अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाने लगती है। तभी यूकी सुरुकी को देखता है और सोचता है बॉस ने इस आमसी लड़की को कैसे पसंद कर लिया। तभी यूकी सुरुकी को वहां लेकर आ जाता है जहां पे हिरोतो उसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इतना अर्जेंटली बुला लिया, पर आज मैंने कैफे के ओपनिंग के लिए एक पार्टी रखी है। जिस पर सुरुकी कहती है मैं नहीं आ सकती क्योंकि मेरे पास वैसे ड्रेस नहीं है। तभी हिरोतो यूकी के सामने ही सुरुकी के पास आकर कहता है तुम फिक्र मत करो मेरी सिंड्रेला, वो सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हिरोतो सुरुकी को एक रूम में लेकर आता है जहां पे बहुत सारे कपड़े और जूते रखे होते हैं। हिरोतो सुरुकी से कहता है कि ये सब तुम्हारे हैं। जिसके बाद ये सभी मिलकर सुरुकी के लिए ड्रेस चूज करने लगता है। तभी सुरुकी एक एक करके सभी ड्रेस पहनकर हिरोतो को दिखाती है तो हिरोतो कहता है ये क्या है, तुम पर तो हर ड्रेस अच्छा लग रहा है। तभी यूकी हिरोतो से पूछता है सर आपको कौन सा ड्रेस पसंद है। जिस पर हिरोतो पीछे मुड़कर एक ड्रेस की तरफ इशारा करता है। जब वो ड्रेस सुरुकी पहनती है तो हिरोतो उसे देखता ही रह जाता है। तभी सुरुकी पूछती है ये ड्रेस कैसा लग रहा है। जिस पर यूकी तुरंत कहता है ये ड्रेस आप पे बहुत जच रहा है। तभी हिरोतो यूकी से कहता है क्या तुम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो। तो यूकी यहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही हिरोतो जल्दी से सुरुकी को हग कर लेता है और कहता है तुम इतनी क्यूट लग रही हो कि मैं तुम्हें यूकी के सामने ही हग करने वाला था। वो पर्दे को लगा देता है और कहता है तुम इस वक्त सिर्फ मेरी हो। वो उसके साथ रोमांस करने लगता है लेकिन सुरुकी काफी शर्मा रही होती है। जिस पर हिरोतो कहता है तुम शर्माओ मत, ये मेरा प्यार है, तुम इतनी क्यूट लग रही हो कि तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा। इधर पार्टी शुरू हो जाता है जहाँ पे हिरोतो सुरुकी को लेकर आता है और सबसे मिलता है। तभी एक आदमी हिरोतो से पूछता है क्या ये लड़की आपकी कंपनी से आई है। तो हिरोतो कहता है नहीं। वो सुरुकी के हाथों का रिंग दिखाते हुए कहता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो सुरुकी को पार्टी के अंदर लेके आता है जहाँ पे मौका देखते ही सुरुकी कहती है इतनी जल्दी बताना सही था क्या कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जिस पर हिरोतो कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं लोगों को सिर्फ सच्चाई बता रहा था। ये सुनकर सुरुकी हिरोतो के करीब जाके कहती है थैंक यू सो मच, तुमने सारी गलतफहमी को दूर कर दिया। तभी थोड़ी देर बाद सुरुकी वॉशरूम से बाहर निकलती है। तभी वो कुछ लेडी से टकरा जाती है जिससे उसका जूता टूट जाता है। जिस पर सुरुकी सोचती है अब मैं इस हालत में बाहर कैसे जाऊंगी। तभी उधर से कोई सुरुकी को आवाज लगाता है। सुरुकी जब देखती है तो वो अकुत्सु होता है। वो सुरुकी के पास आकर कहता है हिरोतो के साथ आई हो ना, लगता है वो तुम्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। तभी वो उसके जूते को देख लेता है और सुरुकी के जूते को ठीक कर देता है। तो सुरुकी कहती है थैंक यू सो मच मेरी हेल्प के लिए। तो अकुत्सु कहता है तुम बहुत जल्दी सब पे भरोसा कर लेती हो। वो रूम के गेट को लॉक कर देता है। ये देखकर सुरुकी घबरा जाती है। तो अकुत्सु कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, अब तुम हिरोतो की कमजोरी बन चुकी हो। इधर दूसरी तरफ हिरोतो बाहर सारे गेस्ट के साथ होता है और इधर सुरुकी को लगता है कि अकुत्सु उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। वो वहां से जाने की कोशिश करती है तो अकुत्सु उसे रोक लेता है और कहता है मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जो हिरोतो तुम्हें कभी नहीं बताएगा, मेरा मतलब उसका पास्ट। उसने तुम्हें बताया नहीं कि उसने अपनी जिंदगी काटने के लिए अब तक क्या क्या किया। जिस पर सुरुकी कहती है मुझे कुछ नहीं जानना, जब मिस्टर हिरोतो मुझे बताएंगे तब मैं सुन लूंगी। तो अकुत्सु कहता है ऐसे बिना जाने ही चली जाओगी। तो सुरुकी कहती है हाँ, और मेरे जूते ठीक करने के लिए फिर से थैंक यू सो मच। सुरुकी यहाँ से जा रही होती है तो अकुत्सु फिर से सुरुकी के पास जाकर कहता है तुम्हें उठाकर ले जाऊं क्या, फिर देखता हूँ तुम्हारा हिरोतो क्या करता है। तभी वो सुरुकी को किस करने लगता है। सुरुकी वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन अकुत्सु सुरुकी के हाथ को पकड़ लेता है। सुरुकी कहती है कि छोड़ दो मुझे जाने दो। तो अकुत्सु कहता है ये तुम क्या कह रही हो, मैंने तो अभी सिर्फ किसी किया है, कुछ और करूंगा तो रोने ही लग जाओगी। तभी वहां पर दरवाजा तोड़कर हिरोतो आ जाता है और सुरुकी को संभालते हुए साइड में ले जाता है और पूछता है तुम ठीक तो हो ना, क्या इसने तुम्हारे साथ कुछ किया। तो अकुत्सु कहता है अभी तो सिर्फ किसी किया है, वैसे तुमने जो हरकत किया है उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जिस पर हिरोतो कहता है अपने काम से काम रखो और हम दोनों के बीच मत आओ। तो अकुत्सु कहता है कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ रहा है तुम्हें। तभी वहां पे यूकी आ जाता है और कहता है चलिए अकुत्सु मैं आपको हॉल तक छोड़ देता हूं। वो अकुत्सु को यहां से ले जाता है। अब हिरोतो सुरुकी के पास बैठा होता है और कहता है मेरी तरफ देखो प्लीज, लेकिन सुरुकी उसकी तरफ नहीं देखती है। तभी हिरोतो कहता है मैं समझ गया। वो सुरुकी के पास से उठ जाता है और कहता है बस बहुत हुआ, तो तुम अब मुझसे नफरत करती हो। तभी सुरुकी कहती है तो तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो क्या। हिरोतो कहता है तुम पागल हो क्या, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होऊंगा, मैं तो अपने आप से गुस्सा हूँ कि मैं तुम्हें उस इंसान से बचा नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। अच्छा ये बताओ क्या उसने तुमसे कुछ कहा, मेरा पास्ट बहुत ही बुरा है और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में कुछ भी जानो। मैं बहुत सी मुश्किलें सही है और बहुत सी चीजें करी है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्या तुम मुझसे नाराज हो। सुरुकी कहती है बिल्कुल नहीं, मेरा प्यार कभी नहीं बदलेगा, आई लव यू सो मच। तभी हिरोतो उसके लिप को टच करते हुए कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ भुला दूंगा। और वो उसे किस करने लगता है और अपने गोद में उठा के ऊपर बैठाता है और फिर से किस करने लगता है और कहता है क्यों भुला दिया ना सब कुछ। तभी वहाँ पे यूकी आता है और कहता है प्रेसिडेंट सब कुछ रेडी है। तभी हिरोतो सुरुकी से कहता है तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ। हिरोतो के जाते ही सुरुकी देखती है कि हिरोतो अपना फोन यहीं पे भूल गया है। इधर हिरोतो बाहर आता है और यूकी से कहता है तुम सुरुकी पे नजर रखो। तभी वहाँ पे सुरुकी हिरोतो का फोन लेके आ जाती है और दोनों को बातें करते देखकर छुपकर दोनों की बातें सुनने लगती है। जहाँ पे यूकी कह रहा होता है कि उस
अकुसुआ क्या करना है। जिस पर हिरोतो कहता है मैंने उसके लिए कुछ सोच रखा है। सुरुकी सारी बातें सुन रही होती है तभी एक हफ्ता बीत जाता है। सुरुकी कहती है कि हिरोतो ना ही मुझे कॉल करता है ना ही मैसेज, इसका मतलब उसने मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। तभी वो जा रही होती है कि रास्ते में हिरोतो को देखती है। उसे देखते वो काफी खुश हो जाती है और उसे आवाज लगा के बुलाने लगती है। तभी वो देखती है कि हिरोतो के साथ एक लड़की भी है जिसे हिरोतो गले मिल रहा होता है। यह देखकर सुरुकी काफी शॉक्ड हो जाती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो उदास होकर जा रही होती है कि उसे रास्ते में अकुसु मिल जाता है और कहता है तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया था, लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी। जिस पर सुरुकी कहती है थैंक यू पर नहीं चाहिए। यह कह के वो वहां से चली जाती है। तभी अकुसु कहता है तुम्हारा हिरोतो के साथ कैसा चल रहा है। ये सुनते ही सुरुकी रुक जाती है। तभी अकुसु कहता है लगता है वो तुम्हें भी छोड़कर चला गया, यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। वो लड़का किसी लड़की के साथ सीरियस हो ही नहीं सकता, तुम टेंशन मत लो, ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है। जब से वो कॉलेज में था तब से वो हर लड़की के साथ ऐसा ही करता आया है, सीरियस होना उसका फितरत ही नहीं है। सुरुकी काफी इमोशनल होकर उसकी बातें को सुन रही होती है। ये देखकर अकुसु कहता है तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो, तुम्हें डंप करने वाला मैं थोड़ी ना हूँ। जिस पर सुरुकी कहती है तो उसने मुझे अचानक ही छोड़ दिया क्या। अकुसु कहता है मुझसे क्या पूछती हो, मैंने तुम्हें जबरदस्ती किस किया था ना, लगता है मैं भी तुम्हारे साथ रह रहकर तुम्हारे जैसा होने लगा हूँ। जब वो तुम्हें डंप कर ही दिया है तुम्हें किस कर लूं। तभी अकुसु का फोन बजने लगता है। जब वो कॉल को उठाता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है जल्दी से इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ। और फोन को रखते हुए कहता है अब हिरोतो बदला लेने पर आ गया है, अब तुम उसके साथ बुरी तरह से फंस गई, वो कमीना इस किस का बदला लेकर ही छोड़ेगा। सुरुकी उसे पूछती है इसका मतलब क्या है, तो अकुसु कहता है न्यूज नहीं पढ़ती हो क्या, अभी समझाने का वक्त नहीं है। ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। सुरुकी तुरंत अपना फोन निकाल के न्यूज देखने लगती है कि तभी अचानक पीछे से हिरोतो आके उसे हग कर लेता है और कहता है मैं तुम्हारा घर गया था लेकिन तुम वहाँ नहीं मिली। और सुरुकी को उदास देखकर कहता है कि बात क्या है। तभी सुरुकी उसे हग कर लेती है और कहती है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। हिरोतो सुरुकी को अपने घर लेके आ जाता है जहाँ पे सुरुकी न्यूज देख रही होती है। तभी हिरोतो उसके हाथ से फोन लेके कहता है ये इस कंपनी की प्रेसिडेंट है, आज ही मैंने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये सुनकर सुरुकी कहती है कि आई एम सॉरी। जिस पर हिरोतो कहता है तुम्हें क्या लगा मेरे और इसके बीच में कुछ चल रहा है, शक कर रही हो, तुम्हें जलस हो रहा है ना। ये सुनकर सुरुकी उसे दूर हट के बैठ जाती है और पास में रखे आइसक्रीम को खाने लगती है। जिस पर हिरोतो कहता है अच्छा ठीक है मुझे कर दो। वो सुरुकी के पास आकर बैठ जाता है और उसे किस करने लगता है। जिस पर सुरुकी उसे रोकती है और कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किससे मिलते हो। ये सुनकर हिरोतो उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ भी बुरा लगे तो तुम मुझे शेयर कर सकती हो, कोई भी बात हो मुझे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम सब कुछ मुझसे बोल सकती हो। तभी सुरुकी उसे बताती है कि अकुसु कह रहा था कि तुम कभी किसी लड़की को सीरियस नहीं लेते हो। ये सुनने के बाद हिरोतो बोलता है शायद ये सच भी हो सकता है, मैं कभी किसी के बारे में सीरियस हो ही नहीं पाया क्योंकि मैं आसपास के लोगों को कुछ समझता ही नहीं था, सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचता था, लेकिन तुम्हारे आने से मैं बदल गया, थैंक्स मुझे चेंज करने के लिए। और सुरुकी के साथ फ्लर्ट करने लगता है और उसे अपने गोद में उठाकर अपने बेडरूम ले जाता है जहाँ पे उसे बेड पर सुला देता है और कहता है तुम्हें सजा मिलनी चाहिए क्योंकि तुम मेरे पीठ पीछे अकुसु से मिली। जिस पर सुरुकी कहती है वो तुम्हें अचानक से मिल गई थी। तभी हिरोतो उसे किस करने लगता है और कहता है लोगों को पहचानना सीखो, तुम्हारे चेहरे में कोई भी खो सकता है। और उसे देखते ही देखते उसके कपड़े को उतारने लगता है और फिर सुरुकी से कहता है अपने कपड़े को उतारो। तभी सुरुकी अपने कपड़े को उतारने लगती है और फिर अचानक से कहती है मैं नहीं उतार सकती, मैं पहले ही अपने हदें पार कर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। तभी हिरोतो उसे हक करते हुए कहता है तुम बहुत क्यूट हो और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है। और वो सुरुकी के साथ बेड पर सो जाता है और कहता है जब तुम अपनी आंखें बंद करती हो तो बहुत ही क्यूट लगती हो, तुम बस मुझे महसूस करती रहो और सिर्फ मेरी तरफ देखो, जिसके बाद वे दोनों एक हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अकुसु हिरोतो को कॉल करके कहता है बाह का कमाल के स्टाइल में बदला लेते हो। जिस पर हिरोतो कहता है तुमने मुझे फोन किया ये बकवास करने के लिए, तो अकुसु कहता है सिर्फ तुम्हारी बदौलत आज मेरे कंपनी के सारे शेयर्स डूब गए, तुमने तो कमाल कर दिया, बस एक लड़की के चक्कर में पूरा मार्केट को हिला डाला, अब मैं समझ गया वो लड़की तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। जिस पर हिरोतो कहता है उसके पास भी मत जाना वरना मैं तुम्हें हाथ लगाने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। तो अकुसु कहता है तुम्हें तो पता है जब मुझे कोई चीज पसंद आ जाती है तो मैं उसे हासिल करके ही छोड़ता हूँ। तभी इधर हिरोतो सुरुकी के पास आकर बैठ जाता है और उसके सिर पर किस करते हुए कहता है गुड नाइट स्वीट हार्ट। इधर दूसरी तरफ अकुसु फोन पर किसी से कहता है कि सुरुकी नाम की लड़की पर पूरी नजर रखो। नेक्स्ट डे आसिया सुरुकी से बात करने के बाद जा रही होती है कि वो अचानक से एक आदमी से टकरा जाती है जिससे उसका फोन नीचे गिर जाता है। वो आदमी उसका फोन उठा के देता है, ये कोई और नहीं बल्कि हिरोतो ही होता है। और आसिया उसे देखते ही रह जाती है और कहती है वाओ ये कितना हैंडसम है। और ये दोनों को मिलते ही एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि एक्सप्लेन कैसा लगा। एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।